तो दोस्तों यहाँ पर जो है एक्सटीरियर लुक कुछ इस तरीके से है। रो हाउसेज मिलते हैं आपको लाइन से, आप देख रहे होंगे। अंदर का इंटीरियर कुछ ऐसा है यहाँ पर। इन रो हाउसेज के बारे में अगर बात की जाए तो MIT यूनिवर्सिटी के पास के रो हाउसेज हैं, गोमती नगर के पास का भी एरिया बोल सकते हैं इन रो हाउसेज को। आइए चलते हैं, इन रो हाउसेज के बारे में जानते हैं एक बार विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिजिटल बिजनेस प्रमोशन में। दोस्तों आज मैं लेकर के आया हूं फिर से आप लोगों के लिए कुछ और रॉ हाउसेज की इन्फॉर्मेशन। आप ये जो पीछे रॉ हाउसेज देख रहे हैं, ये रॉ हाउसेज आपको जो है MIT यूनिवर्सिटी से 900 मीटर की दूरी पर मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर बात करें इन रॉ हाउसेज की साइज की, तो ये जो है 20x60 का यहाँ पर आपको एरिया मिलता है। वहीं अगर आप इसके सामने रोड की बात करेंगे तो 30+ आपको यहाँ पर रोड मिल जाती है। आसपास की मार्केट की अगर आप बात करते हैं तो आपकी सबसे नियरेस्ट की जो मार्केट लगती है MIT यूनिवर्सिटी की मार्केट लगती है, जहां पर आपको बैंक, हॉस्पिटल, ATM और कॉलेज, ये सभी चीजें, स्कूल्स वगैरह, ये सभी चीजें आपको जरूरत की मिल जाती हैं। वहीं अगर दोस्तों बात करें इस रॉ हाउस की डायमेंशन की, तो 20 इसका जो है फ्रंट है, 60 इसकी गहरान है। यहाँ पर आपको जो है दो रूम नीचे मिल जाते हैं, एक बड़ा हॉल मिल जाता है, किचन, वॉशरूम, OTS। अभी इसके बारे में हम सारी चीजें आपको जो है दिखा देंगे। ऊपर वहीं आप देखेंगे ओपन टेरेस मिल जाता है, जहां पर आप कुछ भी अपना जो है कंस्ट्रक्शन न्यू करा सकते हैं। एक रूम, दो रूम आप उसमें अपना बढ़वा सकते हैं। बात करें दोस्तों अगर यहाँ पर इन रो हाउसेस की, तो इन रो हाउसेस पर आपको जो है लोन भी आसानी से मिल जाता है। यहाँ पर बैंक लोन आपको इजीली प्रोवाइड हो जाएगा। ये जो एरिया लगता है ये नगर निगम में आता है और ये जो है निजामपुर मल्हौर का एरिया लगता है। वहीं अगर दोस्तों इसकी बात करें कि इसकी रजिस्ट्री कहाँ पर होगी, तो इसकी जो रजिस्ट्री होती है वो आपका सदर तहसील यानी कि कैसरबाग में यहाँ की जो है रजिस्ट्री होती है। और यहाँ पर आपको इमीडिएट रजिस्ट्री मिल जाती है। लाइन से यहाँ पर आपको कई सारे घर जो है हाउसिंग मिल जाते हैं, जो कि रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है यहाँ। तो दोस्तों चलते हैं इन हाउस का एक बार अंदर से लुक देखते हैं, कैसे ये हाउस लगते हैं और यहाँ पर आसपास का क्या जो डेवलपमेंट है वो कैसा है। इसमें कुछ क्लिप्स हैं जिनके माध्यम से मैं आपको यहाँ पर कुछ चीजें दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों अभी हम लोग जो है रॉ हाउस के सामने हैं। रॉ हाउस का एक्सटीरियर कुछ इस तरीके से है, आपको दिखा देते हैं पूरा इधर से। ये अभी हम लोग अंदर एंटर कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें एक OTS एरिया मिलता है। फिर उसके बाद में ये एक दरवाज़ा है, यहाँ से भी एंट्री है हमारी, एक जो है ऊपर कुछ इस तरीके से काम हुआ है। आपको काफ़ी स्पेशियस यहाँ पे जो है पार्किंग मिल जाती है। अंदर आप चलेंगे आपको अच्छी फॉल सीलिंग के साथ में यहाँ पर देख रहे होंगे आप, दीवारों पे भी पेंट और जो डिज़ाइंस हैं वो भी काफ़ी प्यारी हैं। आपको यहाँ पर जो है ये हॉल मिल जाता है जो काफ़ी स्पेशियस है, और यहाँ पर जो है आपको लुक जो मिलता है कुछ इस तरीके से मिलता है हॉल का। और ये किचन एरिया आपको यहाँ पर मिल जाता है। किचन एरिया में देख रहे होंगे जितना भी जो है वार्डरोब का काम है वो भी सब कंप्लीट होकर के आपको यहाँ पर मिल जाता है। वहीं आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है अभी काम चल ही रहा है, तो अभी शेल्फ़ कुछ लगना बाकी है, ये भी सब कंप्लीट हो रही हैं धीरे धीरे। और ये विंडो यहाँ पर एक मिल जाता है वेंटिलेशन के लिए, आपको ये जाली और ग्लास के साथ में विंडो आपको यहाँ पर मिल जाता है। वहीं आप आसपास का पूरा अंदर का इंटीरियर जब आप देखते हैं तो आपको दिखेगा काफ़ी खूबसूरत जो है यहाँ पर इंटीरियर हो रखा है, और बहुत ही प्यारा इंटीरियर आपको यहाँ पर मिल जाता है ऊपर फॉल सीलिंग के साथ में। दो रूम बने हुए हैं इसमें, एक हॉल है, एक वॉशरूम है नीचे, और उसके बाद में आप देखेंगे एक वॉशरूम आपका जो है मास्टर बेडरूम के साथ में है और एक अदर वॉशरूम है यहाँ पर। उसी में आपको ये देखिए दूसरा वॉशरूम है वो यहाँ पर है इस तरीके से कुछ, और यहाँ पर आपको जो दूसरा वॉशरूम मिलता है वो आपको मास्टर बेडरूम के साथ कनेक्टेड मिलता है। वहीं आपको वॉशरूम के बगल से यहाँ पर एक रूम मिल जाता है जो कि कुछ इस तरीके से है। इसके बाहर जब आप निकलते हैं तो यहाँ पर आपको एक रूम से लगा हुआ OTS एरिया भी मिल जाता है वॉशिंग मशीन वगैरह रखने के लिए, और ये कुछ इस तरीके से है यहाँ पर ऊपर का लुक यहाँ का। फिर उसके बाद में दोस्तों अभी हम लोग जो है चलते हैं एक बार OTS का एरिया दिखा देते हैं आपको। ये OTS है यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ऊपर जो है जाल से कवर किया हुआ है पूरा OTS एरिया, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको कवर्ड भी करा करके जिससे ये बारिश का पानी नीचे ना आए। वहीं रूम आप देखेंगे ऊपर का इंटीरियर रूम के, और नीचे जो टाइल्स लगी हुई हैं बहुत खूबसूरत टाइल्स लगी हुई हैं। बाहर हम लोग अब निकल रहे हैं, ये राइट में फिर से वॉशरूम, थोड़ा आगे चलने पर किचन, फिर उसके बाद में आप ये एरिया देखेंगे हॉल का एरिया है यहाँ पर। फिर अब हम लोग जो है चल रहे हैं मास्टर बेडरूम में, ये मास्टर बेडरूम का रास्ता है यहाँ से, और मास्टर बेडरूम में भी विंडो दी गई है जो कि OTS की तरफ आपका जो है खुलती है। और यहाँ पर आपको एक स्पेशियस वॉशरूम मिल जाता है मास्टर बेडरूम के साथ में। मास्टर बेडरूम में आप देखेंगे आपको कबर्ड्स मिल जाती हैं, ऊपर का लुक बहुत प्यारा है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर जो है डिज़ाइनिंग का काम हुआ है पूरा, अंदर ये कबर्ड में काम हो रखा है। आप देखेंगे यहाँ पर आपको जो है ये मार्बल और टाइल्स का जो है अच्छा कॉम्बिनेशन भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। वहीं आप देखेंगे ये अंदर जो वॉशरूम दिया गया है, काफ़ी स्पेशियस वॉशरूम है यहाँ पर भी। अभी यहाँ पर काम कुछ रह गया है तो वो भी अभी कंप्लीट हो जाएगा।
और वहीं अब आप देखेंगे इसमें भी वेंटिलेशन के लिए जगह दी हुई है। और आप बाहर की तरफ में अब चलते हैं, एक बार आपको दिखा देते हैं एक बार। अब यहाँ से बाहर से होते हुए हम लोग चल रहे छत की तरफ में एक बार, तो एक बार चलते हैं ऊपर का लुक देखते हैं छत कैसी है यहाँ पर, ओपन टेरेस यहाँ पर आपको कैसी मिल जाती है। अभी हम लोग सीढ़ियों से होते हुए, जो कि स्टेनलेस स्टील की आपकी एक ग्रिल लगी हुई है यहाँ पर, और यहाँ का लुक कुछ इस तरीके से दिखता है बाहर का। ये पार्किंग एरिया ऊपर का आपको जो है लुक दिखता है कुछ हिस्सा। फिर उसके बाद में हम लोग जो है छत की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पर हमें एक विंडो मिल जाती है जो कि ग्लास से कवर की है हम लोगों ने। और उसके बाद में ऊपर से खड़े होने के बाद कुछ ऐसा लुक दिखता है, और ये अंदर एक रेलिंग यानी कि आपका स्टेनलेस स्टील से कवर्ड एरिया। तो दोस्तों अभी हम लोग जो है ओपन टेरेस पर हैं, आप यहाँ का लुक देख रहे होंगे। यहाँ पर भी आप चाहें तो अपना कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं, पूरा आपको जो है यहाँ पर एरिया खाली मिलता है और बहुत ही अच्छा लुक यहाँ से दिखता है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं रोड के लिए एरिया, ये लगभग 30 फीट का एरिया है, 30 प्लस ही इसमें आपको रोड जो है यहाँ पर मिलती है। और यहाँ पर आपको काफ़ी स्पेशियस जो है ये ओपन टेरेस यहाँ पर आपको मिल जाता है कुछ इस तरीके। तो दोस्तों आपने यहाँ पर रॉ हाउसेस का लुक देखा, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर जो आपको रॉ हाउसेस मिल जाते हैं, अंदर से रॉ हाउसेस बहुत ही प्यारे हैं। और यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वो भी A1 का कंस्ट्रक्शन हुआ है। आपको यहाँ पर ये जो रॉ हाउसेस मिलते हैं 68 लाख में ये रॉ हाउसेस आपको यहाँ मिल जाते हैं। तो दोस्तों देखा आपने यहाँ पर ये जो रॉ हाउस है ये बहुत ही अच्छी लोकेशन पर रॉ हाउस यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। MIT यूनिवर्सिटी के पास में होने की वजह से रॉ हाउसेज बहुत ही प्राइम लोकेशन के रॉ हाउसेज हैं। तो दोस्तों इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारी जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक आती रहे और आप इसी तरीके से जानकारियां प्राप्त करते रहें। धन्यवाद।